मल्टीप्लाई बाय 4300 इन्होंने बी बीटीसी देना है। अब डिवाइड करें इसको 4300 को या मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी किसे 0.0001 तो कोई 90,300 बिटकॉइन हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये आठवीं स्लॉट रॉयल पूल की मैंने किया, सातवीं स्लॉट पे कितने होंगे, पांचवी पे छठी पे कोई नहीं काउंट किया, वो एक अलग चीज है, मैं सिर्फ एट स्लॉट की कर रहा हूं, ठीक है। अब 90,000 मल्टीप्लाई बाय आप लगाए इसको 35,000 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किस पे, बीएफआईसी की प्राइस हम लगाते हैं $50 क्योंकि यहां तक तो जाना ही जाना है इसने, तो कितनी डिमांड आई जी 6,32,10,000 बीएफआईसी की डिमांड आती है, $50 की भी एवरेज प्राइस लगा लो, ये आपको भी पता है मार्केट में सर्कुलेटिंग में क्या है और क्या है वो आपको सारा पता है, टोटल कितनी सप्लाई सर्कुलेटिंग में कितना है। अच्छा ये हो गया, अब हम बात करते हैं बीएफआईसी लॉकिंग, जिनका बीएफआईसी लॉक्ड है, जहां पे हम दिसंबर की बात कर रहे थे मुझे बहुत अच्छे वेव्स आ रही है वो बहुत जल्दी हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं 1000 लोग रॉयल पूल में आ गए मल्टीप्लाई बाय 14,000 लोग, ठीक है इसमें प्लस कर ले हम 1000 वो 15,000 हो गए। अब ये 15,000 लोग जो है सॉरी ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय इन्होंने 4300 बीबीटीसी इनको चाहिए। अब आपने बीबीटीसी स्वैप किया यानी कि तो आपके 6,45,000 ट्रांजेक्शन आपकी ये हो गई 6,45,00,000। अब ट्रांसफर करके आप कहां पे लेके आए, अपने लव वॉलेट में। लव वॉलेट से जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए या अपनी स्लॉट अपग्रेड करने के लिए गए तो पहली ट्रांजेक्शन आपकी कटी 4300 की, दूसरी 4300 की आपकी कटेगी कौन सी यूएसडीबी की, तीसरी आपकी रजिस्ट्रेशन की कटेगी, चौथी आपकी जहां पे ट्रांसफर हुए हैं उन लोगों ने निकालना होगा, ये हो गए सही कह रहा हूं जी मैं, चार ट्रांजेक्शन हो गई आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ठीक है। अब चार ट्रांजेक्शन जब ये हो गई तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 4 से, हालांकि ज्यादा है क्योंकि आपने जाहिर है हाँ पांचवी ट्रांजेक्शन जब आप यूएसडीबी अपने वॉलेट में लेके आए, पहले आप बीबीटीसी लेके आए फिर आप यूएसडीबी लेके आए फिर उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए गए, एक ट्रांजेक्शन हुई रजिस्ट्रेशन की, दूसरी आपके यूएसडीबी की, तीसरी आपकी कटने की, ठीक है ये सारी मिला मिलू के तकरीबन जो 6 के करीब ट्रांजेक्शन होती हैं, तो 6,45,00,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं तो इतनी आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर 0.002 जो गैस फीस लगेगी, यार मल्टीप्लाई करना था वैसे हमने है ना सॉरी, ठीक है ये हो गया सही किया मैंने हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.002 गैस फीस जो लगती है तो 7,74,000 बीएफआईसी आपका आता है, ये मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, चलो जितनी भी है इतनी लगा लो, तो हम लोग ये 7,74,000 बीएफआईसी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये जो भी कैलकुलेशन किया हमने किया कौन सी रॉयल पूल वाली और आठवीं स्लॉट की,
लेकिन इसमें अगर हम बाकी भी डालें तो मेरे ख्याल से बहुत ये गेम फास्ट हो जाएगी और अगले 1-2 महीनों में आप लोग BFIC से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, अब हम अगली चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। बी बॉन्ड जो है, अब आपको मैं बताऊं कि आपका जो BBTC है ना, ये आपका अब जितनी तेजी से हम यहां पे बढ़ेंगे, मुझे नजर आ रहा है कि हम लोग बहुत अपने सी मशीन में भी आ जाएंगे, और सी मशीन में सारा कुछ क्या होगा उसमें आपको पता है कि सी मशीन में जो आपको वहां पे भी BBTC यूज होगा, वो उसकी डिटेल आपको बाद में देंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर दूं यार, याद आ गई कि देखिये एल बैंक के ऊपर कुछ मसले चल रहे हैं, ठीक है। तो एल बैंक से अपना जो BFIC है ना, वो या तो आप बिटमार्ट के ऊपर ट्रांसफर कर लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, या सारा कर लें, या फिर आप अपना लव वॉलेट में ले आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब BFIC की बहुत ज्यादा यानी कि बाइंग होनी है और बहुत ज्यादा विड्रॉल होने हैं, क्योंकि हम इसकी स्वैपिंग भी कुछ दिन में ऑन करने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसकी जो डिमांड है ना वो इसमें आनी है, क्या नाम है, BFIC पे। और एल बैंक की आदत है कि जब भी ज्यादा डिमांड आती है या जो जब लोग बाय कर रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं और विड्रॉ ले रहे होते हैं तो ये सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कोशिश करें बिटमार्ट से बाय करें और अपना बिटमार्ट के ऊपर आप लोग BFIC जो है अपना उसको ट्रांसफर कर लें, या अपने वॉलेट में रख लें जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, एल बैंक के ऊपर ना रखें। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। बाकी अगर ये सस्पेंड हो जाता है आपने हमें नहीं कहना, क्योंकि बहुत फैसला हमने तमाशा देख लिया है कि जब बाइंग आई, जब इसका वॉल्यूम आया, जब इसके ऊपर यानी लोड आया तो ये सस्पेंड कर देते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि भाई हमारी जो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारी टीमें जो है वो 1 नंबर के साथ लगती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम 1 नंबर के साथ लग गई तो मेरा आपको मशवरा है कि ये $8 का साइन अप है। अगर आपने अपनी टीम से अर्निंग करनी है, इनकम कमानी है, तो आप अपनी टीम को अपने पास से दें $8 BBTC, ठीक है, और उनका अपनी ID के साथ नए साइन अप करवा लें। 1 नंबर पे जो उनकी लगी हुई उनको को जितने स्पिल ओवर आएंगे वो आपका प्रॉफिट है। अब ये अफोर्डेबल प्राइस है, आप अपनी टीम्स को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल अब तो आपने अच्छी अर्निंग भी कर ली।